आप अपना नाम बताइए। पवन सौराष्ट्री मेरा नाम। अच्छा जी, ये आपका कौन सा वेरायटी आपको जो दिया गया था? 142। कितने दिन की फसल हो गई है? 70 दिन की होगी। क्या आपका विचार है, ये वैरायटी देख के आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और ये जो प्लॉट में आपको कितना उत्पादन कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? ज्यादा ही मिलेगा। ज्यादा मिलेगा, तो प्रति बीघा अगर आप अनुमान लगा सकते हैं तो पहले कितना मिलता था आपको? पहले तो यही था, एक बीघा में कितना? एक डेढ़ क्विंटल एक बीघा में इतना ही मिलता था पहले, इतना ही आता था। अब कितना मिलेगा ये बताइए? ज्यादा आएगा, तीन से ऊपर चला जाएगा। क्यों इस यहाँ पे इतना उत्पादन क्यों कम है? क्योंकि आमतौर पे तो 5-4 हल्की जमीन है तो इसमें। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि एक क्विंटल डेढ़ क्विंटल से लेके एकदम 3 क्विंटल बोल रहे हैं, तो छलांग लग गई। आप इसको लगाओ के फिर लगाएंगे बाकी सब ठीक ठाक है। ये वैरायटी के बारे में आपके यहाँ पे गेहूँ भी लगेगा? लगेगा, ठीक है। तो इसी जमीन पे लगाना है आपको इस प्रोजेक्ट में, ठीक है? इसीलिए देखेंगे, कंपेयर में हाइट भी इसकी हल्की जमीन है इसलिए हाइट इसकी कम लग रही है। ये देखिए, ये किसके आइडिया? ये गेंदा लगाने वाली आपने, क्यों लगाते हैं गेंदा? लगा लिए तो फूल थोड़े नहीं, उससे कुछ फूल के लिए लगाए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, एक आप बात ध्यान से सुने, बहुत अच्छा काम किया आपने। अगर गेंदा लगाते हैं सोयाबीन के साथ में तो इल्लिया है गेंदे के ऊपर दिखेगी और आपको एक ही जगह पे इकट्ठा होगी, वो सोयाबीन पे कम खाएगी, गेंदे को ज्यादा खाएगी, है ना? लिए भी अच्छा तो वो उसको हम कीट आकर्षक फसल कहते हैं, ट्रैप क्रॉप को। तो एक तो पहला फायदा ये मिलेगा आपको कि आपको पता चल जाएगा कि आपके खेत में इल्ली शुरू होगी, और ये भी पहचान पाओगे कि कौन सी इल्ली है। फिर जो इल्ली है उस हिसाब से दवा का छिड़काव कर दो। तो आपको अच्छे उत्पादन के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, और अगली बार और गेहूं के खेत में आपसे मिलेंगे और तब आपको बताना कि कितना मिला है, क्या मिला है, ठीक है? दोनों एससी है। अच्छा, अनुसूचित जाति वर्ग के है तो आपका एक बहुत अच्छा, एक खेती में आप मेहनत तो करते ही है, ठीक है? तो आपको अच्छा जो उत्पादन मिलने की हम शुभकामना देते हैं, और ऐसे ही उन्नति करते रहे। आपका अगर उत्पादन बढ़ेगा तो हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कृषि विभाग भी इसमें मेहनत कर रहा है। एक बोला बेचना नहीं, आप अपने लिए बोना, दूसरे किसानों के देना, ठीक है? एक